आग तो नहीं लग गया यार। देखिए फायर इंस्ट्रक्शन छोड़ा गया भाई। ये आग बुझाने वाला पाउडर है यार। आग लग गया। आप ट्रेन तो हुआ भाई लेट। हम तो इधर ही फंस गए। आप तो लग रहा है जिया हो जिया। टेम्पो वाले गजब भगाए हो महाराज। आप तो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफर में। मैं स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी का इंडिया नेपाल के बॉर्डर रेलवे स्टेशन जो कि है जोगबनी। और आप सभी के लिए जर्नी कवर करने वाला हूँ दोस्तों 13213 जोगबनी सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि यहाँ से निकलने का टाइम है 4:30 बजे का। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी अपनी ट्रेन। चलिए आपको दिखाते हैं जर्नी फ्रॉम जोगबनी टू सहरसा। ये देखिए ये है जोगबनी का। यहाँ से नेपाल दोस्तों मात्र कुछ मिनटों की दूरी रह जाती है, इसलिए दोस्तों ये नेपाल बॉर्डर ही कहलाता है भाई। देखिए दोस्तों स्टेशन का बिल्डिंग तो नया मॉडल पे ही बनाया गया है और स्पेस भी इसके पास काफ़ी इनफ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से एंट्री लेते हैं जोगबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वेलकम टू जोगबनी रेलवे स्टेशन। और ये सामने ही लगी अपनी जोगबनी सहरसा। यही ट्रेन भाई आती है दानापुर से और चली जाती है सहरसा के लिए। तो भाई अब ट्रेनों की पहले साफ़ सफाई होगी, उसके बाद ही कहीं जाएगा ही निकलेगा। मतलब थोड़ा सा टाइम लगने ही वाली अपने ट्रेन को यहाँ से निकलने के लिए। और वहाँ हो रहा है दोस्तों अपने ट्रेन में कपलिंग हो रहा है पीछे से। अब आगे की ओर लग चुकी है सहरसा के लिए। थोड़ी देर में निकलेगा भाई। तो देखिए दोस्तों हमारे ट्रेन को जो पुल कर रहा है वो एक एल्को लोकोमोटिव है जो कि WDM 3D है। मिक्स टाइप लोकोमोटिव कहते हैं, एम का मतलब समस्तीपुर शेड का है। और इधर बगल में लगा हुआ है सीमांचल एक्सप्रेस। भाई साहब ये निकलेगा 8:45 पे और अभी हो रहे हैं टाइम हो रहा है भाई 4:45। मतलब 4 घंटा पहले जनरल के सवारी इसमें ऑलरेडी बैठ चुके हैं। देखिए आप लोग ये बैठे तो है कुछ लोग और अंदर भी बैठे हैं बहुत लोग। एक तरफ है दोस्तों सीमांचल में काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव WAP 7 और हमारे ट्रेन में है भाई एल्को लोकोमोटिव WDM 3D। भाई जो कि अब सर्विस लगभग इसकी बंद ही हो चुकी है, फिर भी अभी सर्विस कर रहा है क्योंकि इसको कुछ रास्तों पर अनइलेक्ट्रीफाइड रूट पर चलना है इसलिए। चलिए दोस्तों डिपार्चर हो गया अपने ट्रेन का। चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर। इसको निकलने में तो अभी बहुत टाइम है। फिलहाल अपने ट्रेन का डिपार्चर देखिए आप लोग। चलिए तो भाई एक्सेलरेशन धीरे धीरे शुरू हो चुका है और साउंड सुनिए आप लोग एक्सेलरेशन का साउंड। बाय बाय जोगबनी। ये रुकवा रहे हैं, देखेंगे रुकता है कि नहीं इनके लिए। सुने होंगे तो जरूर रोक देते भाई क्योंकि सर्विस तो भाई इंसानों के लिए की जाती है। ओह गैस रिलीज कर रहा है मतलब रुक ही रहा है। वो चढ़ भी गए, वाह क्या बात है। ये दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आती है जिसका डिवीजन कटिहार है। टेम्पू वाले गजब भगाए हो महाराज। अब तो आज लगी हो ट्रेन को एकदम पिछाड़ दे बेका। फिलहाल स्मोकिंग लगी हुई।
देखिए दोस्तों, ये इंजन काफी पुराना है, डीजल इंजन, लेकिन इसमें पावर अभी भी बहुत है। कितनी तेज रफ्तार से अपनी ट्रेन को खींच रही है, लगभग 110 की रफ्तार है अपनी ट्रेन की। और स्किप कर रहे हैं हम लोग बतनाहा को, इसके बाद फारबिसगंज ही है। चलिए वहां पे पहुंचते हैं, आपको दिखाते हैं फारबिसगंज का अराइवल। अपनी ट्रेन जो है दोस्तों जोगबनी पहुंचने ही वाली है। और यहाँ का मार्केट देखिए, ट्रैक पे कितना ज्यादा सटा के मार्केट लगाया गया है। कभी अगर ट्रेन आ जाए तो इन लोग की परेशानी तो और बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों फारबिसगंज का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पे है मेन एंट्रेंस। यही से चलते बाहर हो सकता है। यहाँ से होगा दोस्तों लोको रिवर्सल। देखिए पाइप को खोला जा रहा है, फिर इंजन आगे से पीछे जाएगा। तो खुल चुका इंजन और जा रहा है भाई आगे। चलिए अब यहाँ से उल्टा डायरेक्शन में चलेगा अपना ट्रेन। और आप लोग को मजेदार बात बताऊं तो ललित ग्राम में फिर यहीं पे आके जुड़ जाएगा, मतलब यही जगह नहीं बता रहा हूँ, इधर ही आके जुड़ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है फारबिसगंज का रेलवे स्टेशन। बाहर से लुक देखिए आप लोग, फिलहाल अंदर हो रहा है हमारे ट्रेन का लोको रिवर्सल। तो ये है दोस्तों फारबिसगंज का रेलवे स्टेशन, यहाँ से एंट्री आप लोग ले सकते हैं। और ये रहा बाहर का मार्केट एरिया। चलिए हमारे पास टाइम है तो बाहर घूमते हैं। तो दोस्तों 13 किलोमीटर की जर्नी कवर हुआ है जोगबनी से फारबिसगंज तक की। और यहाँ पे होगा लोको रिवर्सल, जो कि लोको रिवर्सल के लिए खोल के चला गया इंजन आगे से पीछे की ओर। और एक जगह और होने वाली है जो कि ललित ग्राम में भी होगा वैसे। और इसका स्टेशन कोड है दोस्तों FBG फारबिसगंज। और ये आती है दोस्तों अपनी अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 4 प्लेटफॉर्म को वैसे रेलवे स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी अपनी ट्रेन। तो ये जा रही है दोस्तों पीछे की ओर। टाइम देख लीजिए दोस्तों, लोको रिवर्सल और कुछ लेट से निकलने की वजह से हमारी ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट हो चुकी है। पहले होल्ट के बाद अपने ट्रेन का कंडीशन देखिए आप लोग, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई, सीट टू सीट लगभग सभी बैठे हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप भी आराम से बैठ जाएंगे, कुछ कुछ सीट खाली भी है। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये 130 किलोमीटर की जर्नी कवर करने वाली है, जिसमें ये 7 हॉल्ट पे रुकेगी और 2 हॉल्ट पे ये लोको रिवर्सल करेगी, जिसमें ये पहला हॉल्ट पे ही लोको रिवर्सल करेगी, जिसके और आगे जाके ये ललित ग्राम में भी एक बार लोको रिवर्सल करेगा। चलिए आपको एक बार स्लीपर के दर्शन करा देते हैं। स्लीपर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ भाई, कोई है भी नहीं यार। जब दानापुर से आती है तब तो इसमें रहते भी है कुछ पैसेंजर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है, पूरी तरह खाली खाली। तो चलिए दोस्तों अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है, हम लोग भी चढ़ते हैं भाई। तो चलिए स्लीपर में ही आके बैठ गया भाई, इतना खाली है तो जनरल की टिकट पे आप लोग स्लीपर के मजे लीजिए। और इधर देखिए दोस्तों पीले मक्के की खेती बहुत ज्यादा होती है, इधर मक्का का खेती सच में बहुत ज्यादा होता है बाहर। पूरा खेत मुझे मक्के से भरा हुआ दिख रहा है। तो बड़ी ही खूबसूरत शाम हो चुकी है और अपनी इंटरसिटी जो है पहुंच चुकी है नरपतगंज। यहाँ कुछ बच्चे टहल रहे, शाम का इवनिंग वॉक कर रहे शायद।
स्टेशन के बीच में ही कई सारे पेड़ है भाई। कुछ कुछ सवारी तो है इसके भाई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों 33 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपनी जर्नी के दूसरे हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है नरपतगंज, जिसका स्टेशन कोड है NVP नरपतगंज। और भाई यहां तक भी हमारी ट्रेन अभी 40 मिनट डिले चल रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये दूसरा हॉल्ट है, यहाँ मात्र दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर एक पे ही लगी अपनी ट्रेन और शाम काफ़ी खूबसूरत है भाई। स्टेशन भाई काफ़ी लेकिन खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह हरियाली काफ़ी है। कड़ी धूप में भी आपको बैठने के लिए आराम मिल जाएगा। वैसे इस स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल अभी नहीं मिला। वैसे फाइनली सिग्नल भी मिल चुका, अपनी ट्रेन चल भी चुकी है ऑन टाइम। सिर्फ 2 मिनट रुका है और चल भी पड़ी है। काफ़ी तेज़ हो गया चलते चलते ही। चलिए निकलते हैं यहाँ से। और पुराने ज़माने की इस दीवार की उस साइड देखिए, मीटर गेज के कुछ अस्तित्व पड़े हुए हैं लाइन के, जैसे कि उसका स्लीपर, लकड़ी और भी बहुत कुछ सारे। चलिए दोस्तों, दिखाने वाली ट्रेन में आपके फ्रेंड, जिसके वजह से सेफ्टी पर्पज है अपनी बनी हुई है भाई, सुरक्षा बना रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है और अपनी गाड़ी जो है ललित ग्राम पहुंचने वाली है। तो ललित ग्राम पहुंच रही है दोस्तों अपनी ट्रेन। चलिए, लाइट की व्यवस्था तो यहाँ पे अच्छी है, ताकि अगर कोई रात बिरात लेट वेट पैसेंजर पहुंचे तो थोड़ा देर रुक सके किसी को बुलाने तक। तो दोस्तों धुआं निकल रहा है यार ट्रेन से अपने, क्या दिक्कत, क्या आग को तो नहीं लग गया यार। देखिए फायर इंस्ट्रुगेशन छोड़ा गया भाई। नहीं दोस्तों, कोई आग उग नहीं लगा है, बस फायर इंस्ट्रुगेशन ऑन हो गया था। देखिए आप लोग, गिरने की वजह से पूरा धुआं धुआं हो गया भाई ट्रेन। पैसेंजर तो डर गए कि भाई आग ही लग गया है। मुझे भी लगा यार आग लग गया, अब ट्रेन तो हुआ भाई लेट, हम तो इधर ही फंस गए अब तो लग रहा है, ऐसा लगा। देखिए दोस्तों, यही फायर इंस्ट्रुगेशन खुल गया था। अभी तो मेरे दबाने से भी अब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ठंडा है यार ये, जिसका पाउडर पूरा देखिए, ये आग बुझाने वाला पाउडर है। फेंक दे किसी आग पे तो बुझ जाएगा आग। तो दोस्तों 35 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन जो पहुंच चुकी है तीसरे हॉल्ट ललित ग्राम, जहां पे होने वाला है लोको रिवर्सल। और यहां पे आप लोगों ने देखा कैसे लोग डर के भागे कि जैसे लग रहा आग ही लग गया, लेकिन दोस्तों आग नहीं लगा था। फायर इंस्ट्रुगेशन जो आग बुझाने वाला होता है सिलेंडर, वही पता नहीं कैसे खुल गया कि लीकेज हो गया, पूरा उसका लिक्विड पाउडर पूरा फैल गया भाई। और दोस्तों यहाँ 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे तैयारी हो चुकी है लोको रिवर्सल की। चलिए हम आपको दिखाते हैं लोको रिवर्सल इसका। तो ये आ गई है दोस्तों इंजन लोको रिवर्सल करने के लिए। हो गया भाई, इसमें कोई झटका उटका नहीं मारता है, बहुत ही नॉर्मल तरीका से हुआ है। ये देखिए ट्रेन के अंदर लाइट है और स्टेशन पूरा अंधकारमय हो गया एक ही पल में, गजब अंधेरा लग रहा है, सन्नाटा एकदम। अच्छे खासे उजाले में आया था अंधेरे का, अंधेरे में जा रहे भाई। चलिए अपने ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों काफी भीड़ है यार अपने ट्रेन में बैठने के लिए लोगों का, राघोपुर में देखिए आप लोग, शायद कल कोई एग्जाम है। यहाँ देखिए दोस्तों काफी पैसेंजर है जो अपनी ट्रेन को मिला है, अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे मिला अपने ट्रेन को,
जनरल टिकट पे भी भाई घुस जाते हैं, रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पूरे एक घंटा डिले के साथ 67 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब अपनी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है फोर्थ हॉल्ट राघवपुर। पद्मश्री सम्मानित और फॉक्स सिंगर श्रद्धा सिन्हा जी राघवपुर से ही है दोस्तों। मानो कि ये लास्ट ट्रेन थी जिसके बाद स्टेशन पूरा सन्नाटा हो गया। तो चलिए सिग्नल मिल चुका है, आगे बढ़ने का संकेत हो चुका है, बढ़ते भी है। तो यहाँ से दोस्तों ठीक ठाक अपने ट्रेन में पैसेंजर मिल चुके हैं, सवारी लगभग सब तरफ ही सही है भाई, साइड भी देखे तो देखिए। चलिए फिलहाल डिपार्चर आप लोग देख लीजिए राघवपुर से। अंधेरा अंधेरा सा है। तो दोस्तों सरायगढ़ जंक्शन पहुंच रही अपनी ट्रेन, काफी लेट कर दिया यार, एक घंटा हो गया ये लेट। यहाँ भी काफी पैसेंजर है वैसे। तो दोस्तों 78 किलोमीटर की जर्नी कवर करके 50 मिनट की डिले के साथ अब हमारी ट्रेन जो है पहुंच चुकी है सरायगढ़ जंक्शन। जंक्शन पॉइंट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि ये इंटरसिटी चली जाएगी भाई सुपौल के रास्ते सहरसा, और यहाँ से एक लाइन जो है चली जाती है लहरिया सराय की तरफ, यानी कि दरभंगा सकरी लहरिया सराय। और दोस्तों चार प्लेटफॉर्म के ये सरायगढ़ जंक्शन है जिसके प्लेटफॉर्म नंबर एक पे लगी अपनी ट्रेन और सिग्नल भी हो गया। वैसे आपको बता दें हम यहीं पे इस ट्रेन को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जाना है भाई अब दरभंगा की तरफ। चलिए इस ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं और ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं। तो निकल गई है इंटरसिटी एक्सप्रेस, यहाँ से एक हॉल्ट सुपौल, उसके बाद सीधा हो जाएगा ये सहरसा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ब्लॉग सरायगढ़ तक की जोग बननी से काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।